नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केबीज बायोलॉजी में। तो देखो, आज हम देखने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस प्रकार होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से पार्ट का कौन सा फंक्शन है। तो हमारे बॉडी में जो फूड आता है तो उसका डाइजेशन किस प्रकार होता है और उसके जो प्रोसेसेस है उसके बारे में हम इन डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो वीडियो है डाइजेशन ऑफ फूड के, तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में हम जो बकल कैविटी में मींस ओरल कैविटी में जो फूड का डाइजेशन होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर बाद के जो सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें हम देखने वाले स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो किस प्रकार होता है। उसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें इंटेस्टाइन का रोल क्या है डाइजेशन में, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन ओरल कैविटी। तो चलो स्टार्ट। तो जो ओरल कैविटी है उसको हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी को हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो बकल कैविटी और ओरल कैविटी है ये दो प्रकार के मेन फंक्शन और रोल प्ले करते हैं। पहला वाला जो है वो मैस्टिकेशन और सेकेंड वाला जो है सॉल्विंग। तो जो फूड है, फूड हम मैस्टिकेट करते हैं। मैस्टिकेशन मीन्स क्या, चर्निंग और च्यूइंग, च्यूइंग और चर्निंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैकेनिकली फूड को ब्रेक किया जाता है। तो जो फूड रहता है, फूड इस प्रकार ऐसा रहेगा, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ टीथ और इन बकल कैविटी उसको मैस्टिकेट करते हैं। तो इस प्रकार उसके ब्रेक डाउन होके स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो जो हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर है, तो देखो ये जो ऐसे पार्टिकल्स तैयार होते हैं, तो हमारे बॉडी में जो म्यूकस है, म्यूकस कौन सा, जो सलाइवा से, जो सलाइवा सिक्रेट होता है, सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट रहता है और सलाइवा और म्यूकस उसका कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। किसका, ये ब्रेक डाउन किया हुआ सब्सटेंस का। तो ये ऐसा सर्कल और गोल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो ये बोलस इस प्रकार तैयार होता है। जब ये बोलस तैयार होता है तो विद द हेल्प ऑफ टंग ये क्या जाता है, सॉल्व किया जाता है। सॉल्विंग मीन्स उसको अंदर की तरफ ढकेल दिया जाता है और इनगल्फ किया जाता है। तो यहाँ पे जो मेन रोल है, मेन जो रोल है वो यहाँ पे सलाइवा का है, सलाइवा। और ये सलाइवा में मेनली जो सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज, और थर्ड वाला जो एंजाइम है ये लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम। तो क्या होता है, जब सलाइवा सिक्रेट होता है उसके साथ वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी सिक्रेट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, HCO3। ओके, तो ये जो ये सब जो होता है ओरल कैविटी में होता है, और ओरल कैविटी में लगभग 30% ऑफ फूड का डाइजेशन होता है। जो फूड है उसके 30% क्या होता है, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब यहाँ पे जो सलाइवा है और सलाइवरी अमाइलेज है तो यहाँ पे सिक्रेट होता है, तो सिक्रेट होने के बाद यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो सलाइवा होता है, सलाइवरी अमाइलेज,
तो सर अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च रहता है हमारे फूड में, जो स्टार्च रहता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके, मीन्स स्टार्च क्या है, स्टार्च ये पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड को ब्रेक डाउन करके वो क्या करता है, अंदर मीन्स जब हमारे बॉडी में जाता है, लिवर में, जब हमारे स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो, इसके लिए वो क्या करता है, जो स्टार्च है, स्टार्च डाइसैकेराइड, जो स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड रहता है, बराबर। तो पॉलीसैकेराइड मीन्स क्या, उसमें बहुत सारे मोनोमर्स उसमें ज्वाइंट हुए रहते हैं। तो स्टार्च का जो कन्वर्जन है वो किस में होता है, वो डाइसैकेराइड में होता है, डाइसैकेराइड में। तो ये जो डाइसैकेराइड तैयार होता है वो मेनली क्या रहता है, माल्टोज रहता है, माल्टोज। ओके, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए, यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज यहाँ पे एक्ट होता है। तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ये डाइसैकेराइड में उसको कन्वर्ट करता है। तो जो एंजाइम्स रहते हैं क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर और पीएच के ऊपर उसकी एक्टिविटी डिपेंड्स करती है। तो यहाँ पे इसका जो पीएच है वो एसिडिक पीएच है 6.8। तो ये 6.8 पे क्या करता है, ये मेनली एक्टिव रहता है और ज्यादा एक्टिविटी दिखाता है। इसीलिए जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका पीएच 6.8 है, इसीलिए ये अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का कन्वर्जन डाइसैकेराइड में करता है। तो इसको ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सलाइवरी अमाइलेज है सलाइवा का, तो इसका पीएच कितना होता है। ओके, तो जो लाइसोजोम है, तो लाइसोजोम का जो जो लाइसोजाइम से, तो लाइसोजाइम ये एंजाइम है, ये क्या करता है, ये मेनली डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन करने के लिए मेनली हेल्प करता है। तो वो कैसे, तो देखो यहाँ पे जो लाइसोजोम होता है, जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आता है, जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आता है, तो इस बैक्टीरिया को ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है और किल करता है, डिस्ट्रक्ट और किल करता है। किल करने के बाद इसका एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम मेनली क्या कर रहा है, तो वो हमारे बॉडी में जो पैथोजन आते हैं उसको रोकने का काम करता है, वो इम्यूनो सिस्टम को लिए हेल्प करता है। तो इट्स हेल्प इन इम्यूनो सिस्टम और एंड किलिंग ऑफ पैथोजन। ओके, देन जब ये बोलस फॉर्म होता है, ये बोलस क्या होता है, ये ओरल कैविटी में होता है, बराबर, ये ओरल कैविटी में होता है। फिर ये बोलस इस प्रकार फैरिंग से होकर इसोफेगस में जाता है। तो इससे यहां से जब ये इसोफेगस से जाता है, मीन्स फैरिंग से होकर इसोफेगस से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे जो इस गैस्ट्रो इसोफिगल स्पाइनेक्टर रहते हैं, क्या रहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल स्पाइनेक्टर, तो ये क्या करते हैं, जो स्पाइनेक्टर है ये बोलस को और फूड का जो बोलस है उसको कंट्रोल करते हैं। और ये फिर क्या होता है, यहाँ पे ये यहाँ पे वाइड होता है, फिर
फिर ये बोलूस यहाँ पे आता है, ओके, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसी प्रकार ये कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड होके ये बोलस स्टमक की तरफ जाता है। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टेल्टिक। क्या कहते हैं हम उसको, इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टेल्टिक। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड। तो ये सब होता है ओरल कैविटी में। तो इसमें लगभग 30% ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होता है। ओके, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।